7.2 की थ्योरी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। इस क्लास में हमने स्टार्ट करनी है 7.2 के क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं, ये जो एडिट मैं इंशाल्लाह करूंगा इसके बाद 7.2, ये पुरानी बुक में जो 8.3 थी वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे मे बी वो आप लोगों की बुक से मैच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन देखो 7.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो आपके सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पुरानी बुक में 8.3 में 1 से लेकर 9 तक होते थे। कोई फर्क नहीं है, सेम टॉपिक है, बस जो क्वेश्चंस हैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, बाकी एग्जैक्ट वही चीज मौजूद है। कोई फर्क नहीं है, टॉपिक्स हर चीज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक वही है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो पुरानी बुक में, आई गेस क्वेश्चन नंबर 13-14 ऐसा कुछ होता था, तो उसके बाद एडिट करके मैं वो लगा दूंगा। तो आप जरा समझो होगा क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैं सारे क्वेश्चंस एडिट करके लगाऊंगा, उनमें जो आप लोगों को जो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूं ना वो शायद बुक से मैच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन करना वही काम होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सपेंड बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, अब करना मुझे यही काम होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, लेकिन पुरानी बुक में जो सवाल मैंने पिक किया होगा वो शायद सवाल इधर मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार सवाल मुझे करना क्या है। अगर आपको समझ आ जाए कि बाइनोमियल को एक्सपेंड करने का ये तरीका है तो आप आसानी से एक्सपेंड कर लोगे इसको। रही बात इन क्वेश्चंस में अगर मसला हो रहा है तो मैंने पहले भी बताया था, अब हर स्टूडेंट को तो मैं अलग से नहीं बता सकता, तो आप लोगों ने गाइड परचेज करनी है। जो आप लोगों का सॉल्यूशन है गाइड से जरा हेल्प, गाइड को हेल्प के लिए रखना है, गाइड पे सिर्फ आपने फोकस नहीं करना, हेल्प के लिए आप उसको यूज कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके बाद मैच करना है। अगर नहीं मैच हो रहा तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आप उससे पूछ लेना। मेरा काम है आप लोगों को टॉपिक बताना कि यार इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या, आपने कौन सा फॉर्मुला लगाना है, क्या मेथड होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट वही है जो पुरानी बुक में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 था, बस पार्ट्स में थोड़ा फर्क होगा। वो जो हल्का फुल्का फर्क है मैं आपको बताया तो किस तरह आपने सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ 11 की पावर 5, अब निकालना किस तरीके से वो आप देख लेना जब मैं एडिट करूंगा। ब्रेक करना मैं सिखा देता हूं, 11 को आप ब्रेक करोगे 10+1 में इस तरीके से, उसके बाद कोई बाइनोमियल थ्योरम आप लगा दोगे। इसी तरीके से 19 लिखा हुआ है, 19 को ब्रेक करोगे 20-1 में। ये 1 इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर एक टर्म आपकी 1 होगी तो आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से 99 की पावर 4 को आप लिखोगे 100-1 की पावर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है उसमें 1.01 लिखा हुआ है, तो ब्रेक करना 1+0.01, फिर 1.02 को ब्रेक करना 1+0.02 की होल पावर 7, और 2.03 को ब्रेक करना 2+0.03 की पावर जो भी मेंशन की है। उसके बाद वही बाइनोमियल थ्योरम लगाना जो मैंने एडिट करके जो लगाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, जो एग्जैक्ट उन स्टेप्स को फॉलो करना, आपका सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एवेल्युएट करने का, एग्जैक्ट वही सवाल है आपको नजर आ जाएगा, बस जो मैं सवाल बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेथड है वो सेम रहेगा। आपने कोई भी पार्ट पिक करना है, उसको सॉल्व करना है, बुक से आंसर मैच करना है, अगर नहीं हो तो गाइड से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि आपको एक्सपेंशन गिवन है और आपको कोई भी एक खास टर्म निकालने को बोलेंगे, 7 टर्म निकालो, 8 टर्म निकालो। अब टर्म निकालने का तरीका सेम ही है कि आप जनरल टर्म निकालते हो उससे आप सॉल्व कर रहे होते हो, सेम काम आप लोगों को वीडियो में नजर आएगा। मे बी जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे पिक करूंगा वो क्वेश्चन इस बुक में मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेथड तो सेम ही है, करना तो आपको सेम ही काम है, तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मिडिल टर्म निकालनी है, एक्जैक्ट आपको नजर आएगा 5 और 6 में मिडिल टर्म निकाल रहे होंगे। 5 में आपको जो एक्सपेंशन गिवन है उसकी एक ही मिडिल टर्म आ रही होगी, 6 में जो गिवन है उसमें 2 मिडिल टर्म आ रही होंगे, एक्जैक्ट वही सवाल आपको नजर आएंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, काम आपको एक्जैक्ट सेम करना होगा। 7 में अगर आप देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म निकालनी है, ऐसी टर्म जो जिसमें एक्स मौजूद ना हो, अगेन ये वही क्वेश्चन है जो आपको नजर आएगा, क्वेश्चन में फर्क हो सकता है, काम आपको सेम करना है। इसी तरह 8 के पार्ट हैं, इसी तरह बच्चों 9 के पार्ट हैं, सब आपको वहां पे मैंने डिटेल में समझा दिया होगा, कॉन्सेप्ट मेथड करना किस तरीके से, सिंप्लीफिकेशन हर चीज आपको नजर आ जाएगी उसके अंदर। फर्क होगा कि वो वाला क्वेश्चन जो बुक में है वो शायद मैं बोर्ड पे ना सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन बाकी हर चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 जो है पुरानी बुक में आखिरी क्वेश्चन हुआ करता था, अब 8.3 का आखिरी क्वेश्चन आई गेस 13 था 12 था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ये वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्ट वही है, तो यही क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि एंड पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसका नंबर तो शायद 11-13 होगा, जो भी नंबर होगा वो पुरानी बुक के मुताबिक है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। अब मैं इंशाल्लाह वो जो एक्सरसाइज है पूरी हम एडिट करके लगा देंगे, आप लोग उसको देख लेना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.2 बढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को थ्योरी डिटेल में बता दी है, अब इंशाल्लाह 8.3, 8.4, 8.5 इनके टॉपिक हम एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। अब 8.3 पे अगर आप आ जाओ ना यार, तो 8.3 पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं, लेकिन मैं सब नहीं करवाऊंगा, मैं एक पार्ट करवा दूंगा, या अगर मुझे कोई और लगेगा कि यार ये चलो
समझा मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन प्रॉपर स्टेप में एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के पांच पांच छह छह पार्ट है और कुछ फालतू से बिल्कुल है, प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बायनॉमल के लिए दिए हैं सारे के सारे। बस मैं आपको बता दूंगा करना क्या इसके अंदर, बाकी काम आप लोगों का खुद होगा। तो और बेस्ट मशवरा मैं ये दूंगा कि इस टाइप की एक्सरसाइज जो होती है ना, उसमें आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है गाइड और परचेज कर लो। मुझसे स्टूडेंट आमतौर पर पूछते हैं कौन सी गाइड परचेज करो, मेरे पास एक मोहम्मद साउथ की गाइड है, तो उनकी बहुत अच्छी गाइड है, उन्होंने थ्योरी भी देखी हुई है, फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड की थ्योरी उनमें आपको नजर आएगी, साथ उन्होंने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की हुई है सारी। तो बेस्ट तरीका यह होता है कि जो टीचर आपको होमवर्क देता है, क्योंकि सब मेरा इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं ये थोड़ा सब क्वेश्चन सॉल्व कराने में टाइम बर्बाद कर लूं, तो जो मेन चीज है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जो होमवर्क आपको मिलता है वो आप गाइड से कवर कर लो, वहां पे सारे स्टेप्स हैं आप कर लो। अगर कहीं फंस रहे हो तो जो भी आपका टीचर है आप उसे पूछ लो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ, तो मेरे पे मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, शायद मैं जवाब ना दे सकूं, फिर आप गुस्सा करो मुझ पर, तो मुझको गुस्सा करने से बेहतर है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसे कंफर्म कर लो यार, तो इतनी बड़ी चीज तो नहीं है ना, सेंटर में आप हजारों खर्च कर रहे हो ना। तो इस तरह करके यहां पे मैं कॉन्सेप्ट जब आपको दे रहा हूं तो और क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट की हद तक रहो, खत्म होगी बात यार, कॉन्सेप्ट मिल जाए सही है, छोटे मोटे मसले में आप हल कर सकते हो, इसमें कौन सा इशू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर वन पे आपके पास लिखा हुआ है एक्सपेंड बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आपने इन बाइनोमियल्स गिवन है, पावर अलग अलग है, किसी में 8 पावर है, किसी में 6 है, किसी में 7 पावर है, कुछ भी गिवन है, और आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूं ऊपर ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि काफी यूज होगा, तो यहां पे मेंशन कर देते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या था, a प्लस डी की पावर n, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हो एन सी जीरो ए की पावर n, फिर एन सी वन, अब a की पावर कम होने लग जाएगी, b की पावर बढ़ने लग जाएगी, फिर होगा एन सी टू एन माइनस टू बी टू अप टू, दरमियान में हम एक इसकी जनरल टर्म भी कंसिडर करते हैं। जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, और इसकी जो आखिरी टर्म हम कंसीडर करते हैं वो होती है एन सी एन बी की पावर एन। ये आपके पास एक बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मैंने डिटेल में लिख दिया है। अब आप इसको अप्लाई किस तरीके से करोगे जरा देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए टू द पावर 8। अब देखो बाकी क्वेश्चन जो है ना इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज है, बड़ी ना के मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो अगर आप एक चीज एक्सपेंड कर रहे हो तो बाकी सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, एक दो और सवाल आप लोग कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, मे बी आपको पावर नेगेटिव पॉजिटिव में मसला हो तो सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आसानी होगी, लेकिन मेरे लिए एक ही क्वेश्चन करवाना काफी है, कॉन्सेप्ट जो मुझे देना है वो उसमें मैं दे दूंगा, तो बाकी एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब इसको एक्सपेंड किस तरीके से करोगे, ये सवाल पेपर में आते नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं उन्होंने, बिलफर्ज अगर आ भी गया तो फिर फॉर्मूला मेंशन कर दो पूरा कि यार बाइनोमियल का ये फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। अब एक्सपेंड करते हैं इसको, असल काम तो एक्सपेंड करना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए की होल पावर 8। सबसे पहले आपको पहचानना यहां पे ये है कि यहां पे ए और बी का रोल यहां पे क्या है। अब देखो पहली टर्म जो है वो यहां पे एक्स है, तो ए जो है वो आपका एक्स है, मतलब ए मतलब बाइनोमियल में जो ये लिखा हुआ है ना ए, ये यहां पे क्या है एक्स है, और बी यहां पे क्या है ए के बराबर, जो बाइनोमियल में दूसरी टर्म है वो दूसरी टर्म यहां पे क्या है ए के बराबर, और पावर यहां पे क्या है 8। जैसे वहां पे पावर आपको एन की गिवन थी, यहां पे पावर मतलब एन की वैल्यू क्या है 8 है। अब आप इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबसे पहले एन सी जीरो, एन यहां पे क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 सी जीरो, ए की पावर एन, ए यहां पे क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन मतलब एक्स की पावर 8। फिर अब कोएफिशिएंट क्या होगा 8 सी वन, अब एक्स की पावर कम होने लग जाएगी, मतलब ए की पावर, ए यहां पे एक्स है ना, तो एक्स की पावर कम होने लग जाएगी और बी की पावर बढ़ने लग जाएगी, बी यहां पे क्या है ए, तो आपको ए की पावर 1 नजर आ रही है यहां पे। फिर कोएफिशिएंट होगा 8 सी टू, अब एक्स की पावर मजीद कम होगी और ए मजीद बढ़ता जाएगा। फिर होगा 8 सी थ्री, एक्स की पावर 5, ए की पावर क्यू। फिर हो जाएगा 8 सी फोर, एक्स की पावर 4, ए की पावर 4। फिर 8 सी फाइव, एक्स की पावर 3, ए की पावर 5। फिर 8 सी सिक्स, एक्स स्क्वायर ए सिक्स। फिर 8 सी सेवन, एक्स ए की पावर 7, और आखिरी टर्म क्या होगी 8 सी 8, ए की पावर 8।
तो बस टेक्निक क्या होती है इसमें, कोफिशिएंट तो बड़े इजी होते हैं, जो एन है ना वहां से आपने स्टार्ट करना है, एन यहाँ पे 8 है तो 8C0, 8C1, 8C2 करते करते 8C8 पे जाके आपने खत्म हो जाना है। और जो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है आपको, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहली टर्म लिखी हुई है उसकी मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, उसके बाद उसकी पावर एक कम होती जाएगी और दूसरे की पावर एक बढ़ती जाएगी। जैसे x की पावर अब 7 हो गई, यहां पे a की पावर 0 थी, अब a की पावर 1 हो गई है, फिर x मजीद कम, a मजीद एक ज्यादा, फिर x मजीद कम, a मजीद एक ज्यादा, करते 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 आखिरी टर्म जो होगी उसमें आपको पहली टर्म नजर ही नहीं आएगी और दूसरी वाली टर्म जो थी यहां पे उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। ये पूरा बायनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आपको मैं जाहिर सी बात है प्रैक्टिस का सवाल है, आपको कोई शो नहीं देना पड़ेगा 8C4 की वैल्यू कैसे आई आपके पास, आपको बस आंसर लिखना है इसका। तो सबसे पहली बात 8C0 तो 1 ही होता है, 8C0 या 8C8 1, यहाँ पे देखा होगा बाइनोमियल में पहली वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब पहली वाली टर्म का उसका कोफिशिएंट 1 और जो आखिरी टर्म है b क्यूब उसका कोफिशिएंट भी 1, तो आपके पास जस्ट x8 आ जाएगा। फिर 8C1 8 के बराबर ही होता है, फिर 8C2 जल्दी से निकाल लेते हैं, 8C2 भी इजी होगा, 28 x की पावर 6 a का स्क्वायर, फिर 8C3 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 56 x5 a क्यूब, फिर 8C4 निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 70 x4 a4। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो 8C3 की वैल्यू थी ना वही 8C5 की होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस हैं, तो 8C3 की वैल्यू 56 थी तो 8C5 की भी 56 होगी, इसी तरह 8C2 की वैल्यू थी 28, 8C6 की भी 28 होगी, इसी तरह 8C1 की थी 8 और 8C7 की भी क्या होगी 8 x a7 और आखिरी टर्म हो जाएगी a की पावर 8। तो बच्चों ये पूरी एक्सपेंशन है इस सवाल की, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करने, जो उसमें कैलकुलेशन है वो हमने इस एक्सरसाइज में बार बार करनी है, तो वैसे भी हम सीखते जाएंगे कैलकुलेशन, नेगेटिव एक्स नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, पावर मैक्सिमम है, कोई फ्रैक्शनल है, सब इसमें डील हो जाएगा, तो बाकी जो है वो आप लोग को ट्राई करना, कहीं मसला हो तो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक ही करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही फजूल किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको मेथड पता चल जाए कि करना क्या होता है। आपने बायनोमियल थ्योरम यूज करके इन चीजों की वैल्यूज निकालनी है, मतलब कुछ पॉइंट में लिखे हुए हैं उनकी कोई पावर लिखी हुई है वो निकालने, या कोई बड़े बड़े नंबर हैं उनकी आपने पावर निकालनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो मसला खत्म हो जाएगा, मतलब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर यूज कर लो, शुरू में ही नहीं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के कर देना। बहरहाल तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है ना उसके 3 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, करवाऊंगा मैं ए की इन 6 पार्ट के अंदर, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि किस तरह आपने करना है। तो जो 11 लिखा हुआ उसको इस तरह ब्रेक करना 1 प्लस 10, और उसके बाद क्या करना बता दूंगा। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ 101, तो 101 को इस तरह लिखना 1 मल्टीप्लाई 100, तो 1 प्लस 100, 999 को इस तरह लिख देना, ये काम करो इनको, मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करते ना, आप इस तरह लिख दो 10 प्लस 1 100 प्लस 1, और जो 999 लिखा उसको लिख देना 1000 माइनस 1। अच्छा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बायनोमियल थ्योरम में अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो ए और बी आपने भी पॉजिटिव ही लेना है, ये नहीं कि दरमियान में नेगेटिव के साथ ऑल्टरनेट साइन भी कर दो और बी को भी नेगेटिव ले लो, नहीं, क्या करना है आपने, जब यहां में नेगेटिव आए ए और बी आपने पॉजिटिव ही लेना है। जैसे इस वाले केस में जब आप इसको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे ना, ए 1000 है और बी 1 है, बी को नेगेटिव नहीं लेना, बस अब क्या करना, जब आप अप्लाई करोगे ना तो पहली के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव, चौथी के साथ नेगेटिव, इस तरह करते रहना, ठीक है। ये जो आप नेगेटिव लगा रहे हो ना वो बी की वजह से लगा रहे हो, दरमियान में माइनस है, तो जब आप ऑल्टरनेट साइन यूज कर रहे हो ना तो फिर बी पॉजिटिव लेना है, ये ना बी को भी नेगेटिव ले लो, ऑल्टरनेट भी कर लो, खराब हो जाएगा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है उसमें डेसिमल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 1.01 की पावर लिखी हुई है, तो उसको आप ब्रेक कर देना 1 प्लस 0.01, फिर लिखा हुआ 1.02 उसको ब्रेक कर देना 1 प्लस 0.02, फिर लिखा हुआ 0.98 उसको आप ब्रेक कर देना 1 माइनस 0.02, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एक्सपेंड करना है, मैं एक पार्ट करवा देता हूं इन 6 पार्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 ही कर लेते हैं ताकि मेरे लिए भी आसानी हो,
पॉइंट में मुझे बार बार कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है आपको कुछ करना है तो क्या मुश्किल चीज नहीं होगी, कॉकरोच घूम रहा होता। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू का ए का पार्ट नंबर वन लिखा हुआ, वैल्यू निकालो 11 की पावर 5 की। तो वह बच्चों वाला केस है, किस तरीके से आप करोगे, आप 11 की पावर 5 को ब्रेक कर दोगे 10 प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, तो सवाल यह है कि अब ए यहां पे होगा 10, बी यहां पे होगा 1, एन होगा यहां पे 5। ये वैल्यू सब लिखिए। ठीक है, तो अब आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो। तो क्या होता है भाई, एन सी जीरो, एन यहां पे 5 है तो 5 सी जीरो 10 की पावर मैक्सिमम मतलब 5 प्लस 5c1, अब 10 की पावर कम और 1 की पावर बढ़ती जाएगी, तो अभी 1 की पावर 1 ही है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। फिर 5c2, 10 की पावर मजीद कम और 1 की पावर ज्यादा। फिर 5c3, 10 की पावर मजीद कम, 1 की पावर मजीद ज्यादा। फिर 5c4, 10 और 1 की पावर मजीद एक्स्ट्रा। और फिर एंड पे 5c5, 10 खत्म, 1 की पावर 5, जो कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5c0 होता है 1, तो यहां पे जस्ट 10 की पावर 5 बच जाएगा। 5c1 जो है वो 5 होता है, तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होता है 10,000। 5c2 अल्लाह आप लोगों का भला करे क्या होगा, 10 होता है, 120 डिवाइडेड बाय 12 10 ही होता है ना, तो हो जाएगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 क्यूब से तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ये। फिर 5c3 अगेन 10 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर से तो 10 क्यूब हो जाएगा। फिर 5c4 5 होता है, 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से। फिर 5c5 1 और तो 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करो बच्चों, 10 की पावर 5 को 10 की पावर 5 ही रहने देते हैं। और एक काम करते हैं, जब प्रैक्टिस ही कर रहे हो, सवाल पेपर में नहीं आने तो क्यों इतनी मेहनत करें, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, पेपर में आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो पार्ट बनकर आएंगे। तो है बहुत छोटा सा कॉकरोच, लेकिन अपना असल में कॉकरोच में इतना इंट्रेक्शन नहीं होता ना, तो हल्का फुल्का हो जाता है मसला थोड़ा। 10 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 का क्यूब प्लस 50 प्लस 1। कोई कह रहा होगा सर डायरेक्ट आंसर निकाले 10 की पावर 5 का, तो भाई मुझे देखना, गलती था, गलती ना की हो ना मैंने कोई। 161051, तो 1,16,000 1,61,051 रुपीज। तो अब हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं 11 की पावर, अच्छा मैं समझा 10 की पावर 5 है, 11 की पावर 5 है, हाँ ये आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने सॉल्व करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर, बस बाइनोमियल थ्योरम आपने एक्सपेंड कर देना है। तो मसला यहां तक हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ ये है कि मैं पार्ट वन ही करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का भी, आपको इवेलुएट करना है, बस क्या इवेलुएट करना है, ये इवेलुएट करना है कि पावर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 5, ये आपको इवेलुएट करना है। अगेन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे इसके ऊपर, और सॉल्व करने का तरीका इसमें ये होगा कि आप दोनों को अलग अलग, या तो अलग अलग वैल्यू निकालो, लेकिन अलग अलग वैल्यू निकालने का मजा नहीं है क्योंकि कैंसिल हो रहे होंगे, तो एक साथ ही सॉल्व करो ताकि स्टेप्स आपके बच जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर दो टर्म्स है, तो मैं ना ब्लैक ब्लू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना करने में आसानी। यार एक यूट्यूबर है ब्लैक रेड पेन, ब्लैक पेन रेड पेन, काफी मैंने सीखा उस भाई से, लेकिन उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी थी, पता नहीं कभी ये इस्तेमाल करता है ये इस्तेमाल करता है, तो मैं वही वाली टेक्निक कॉपी कर रहा हूं उसको। तो अब क्या करना है इसमें, आप सिंप्लीफाई इस तरीके से करो, क्या सबसे पहले लिखो 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 5, और जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये कर दो। ठीक है, अब इन दोनों पे अलग अलग आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करोगे इसके ऊपर, अब देखो यहां पर स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, ए क्या है बी क्या है, पेपर में अगर आ गया तो चलो कर लेना आप, मतलब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। इसमें ए वन है, बी टू रूट एक्स है, इधर भी ए वन है, बी रूट टू एक्स है, दोनों में एन की पावर 5 है, तो लिखना चाहो तो चलो लिख दो ऊपर कि ए वन है
बी है टू रूट एक्स और एन जो है वो फाइव है। बस इसमें ऑल्टरनेट साइन लगाओगे आप और इसमें सब टर्म पॉजिटिव होंगे, बस इन दोनों में ये फर्क है। और आपस में क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा, फाइव सी जीरो वन की पावर फाइव, ठीक है, फिर प्लस फाइव सी वन, अब वन की पावर कम होगी, वन की पावर फोर, और टू रूट एक्स की पावर वन ही है, ना लिखो तो बेहतर है क्योंकि वन पावर लिख के क्या करोगे, स्टेप्स ही जाया कर रहे हो। फिर ये हो जाएगा फाइव सी टू वन की पावर क्यूब, और अब टू रूट एक्स की पावर हो जाएगी स्क्वायर। अब उसकी पावर मजीद बढ़ने लग जाएगी, पहले वन थी अब स्क्वायर होगी है, अब मजीद क्या होगा फाइव सी थ्री, अब वन स्क्वायर हो जाएगा और टू रूट एक्स जो है वो हो जाएगा क्यूब। फिर फाइव सी फोर वन मल्टीप्लाई टू रूट एक्स की पावर फोर, और फिर एंड पे होगा फाइव सी फाइव टू रूट एक्स की पावर फाइव, ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपने एक्सपेंड कर दिया पहली वाली टर्म को, ब्लू वाली को, अब जरा ब्लैक को एक्सपेंड करते हैं, ब्लैक को एक्सपेंड किस, अच्छा अभी ऐड ही हो रहा था, दरमियान में ऐड का निशान है, अगर यहां पे माइनस होता ना तो फिर मैं ब्रैकेट लगा देता, क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस साइन को चेंज नहीं करता, तो मैं कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस मैंने लगाया और मैं इस टर्म को लिखने लगा हूं, ठीक है। तो अगेन यही काम कर रहे हैं, आपको लगाने की जरूरत है, बस आप पहली टर्म के साथ पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह बस आपने करते रहना, ठीक है। तो अब आप क्या लिखो, यही फाइव सी जीरो वन की पावर फाइव, अच्छा अब माइनस आएगा दूसरी टर्म के साथ, फाइव सी वन वन की पावर फोर मल्टीप्लाई टू रूट एक्स, अब पॉजिटिव होगा, फाइव सी टू वन की पावर क्यूब टू रूट एक्स का स्क्वायर, फाइव सी थ्री वन की पावर मजीद कम टू रूट एक्स, अच्छा फाइव सी फोर वन मल्टीप्लाई टू रूट एक्स की पावर फोर, और एंड सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा फाइव सी फाइव टू रूट एक्स की पावर फाइव। ये फायदा है इनको एक साथ करने का, कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात, ये वाली टर्म नेगेटिव के साथ है, ये वाली टर्म पॉजिटिव के साथ है, कैंसिल हो गई, अगेन ये नेगेटिव के साथ है और ये पॉजिटिव के साथ है, अगेन नेगेटिव के साथ है पॉजिटिव के साथ है। तो अब जो पीछे बच गया वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या बचा है, ये तो वन होता है तो पहली चीज का आंसर तो वन है। अच्छा इसको सॉल्व करो, फाइव सी टू क्या होता है, टेन होता है। अच्छा टू रूट एक्स का आपने स्क्वायर करना है, बच्चों टू का स्क्वायर तो होता है फोर, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स के बराबर, तो इसको हम एक काम करते हैं फोर एक्स ही लिख देते हैं। फिर कौन सी टर्म बची, फिर आखिरी फाइव सी फोर, फाइव सी फोर होता है फाइव और टू रूट एक्स की पावर फोर है, तो टू की पावर फोर होती है सिक्सटीन और रूट एक्स की पावर होगी एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपने टोटल पांच टर्म थी, दो टर्म नहीं टोटल छह टर्म थी, तो तीन टर्म कैंसिल होगी, तीन बची है, इसी तरह ब्लैक की भी तीन टर्म कैंसिल, तीन बची है, एग्जैक्ट ये टर्म होगी, जैसे ये होगी वन, अच्छा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी टेन मल्टीप्लाई फोर एक्स, इसी तरह ये वाली टर्म क्या हो जाएगी फाइव मल्टीप्लाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस फोर्टी एक्स प्लस एट्टी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस फोर्टी एक्स प्लस एटी एक्स स्क्वायर, और एंड पे आप एक साथ आंसर लिख दो, वन प्लस वन टू, फोर्टी प्लस फोर्टी एटी एक्स, एटी प्लस एटी वन सिक्सटी एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, तो इस तरह आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो बाकी जितने सवाल है उसमें आपने यही टेक्निक अप्लाई करनी है और सवालों को सॉल्व करते हैं, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, और क्वेश्चन नंबर फोर से अब सवाल स्टार्ट होने लगे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं चार नंबर के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री भी आ सकता है एग्जाम में, बाय द वे चार नंबर के अंदर बन सकता है, लेकिन यार इतनी इंपॉर्टेंट बाकी चीजें हैं ना तो वो देंगे नहीं, क्योंकि 8.3 में और बाकी ऐसे क्वेश्चन है, 8.1 में है शॉर्ट के लिए, तो ये देंगे नहीं, इसलिए बस प्रैक्टिस के लिए होगी ये बात। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक आपको बाइनोमियल लिखा होगा उसकी पावर गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि यार इस बाइनोमियल की दसवीं टर्म निकालो, पांचवीं टर्म निकालो, छठी टर्म निकालो, ये आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो
पार्ट नंबर टू करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो पार्ट नंबर टू टिक क्यों हुआ है, मे बी पेपर में आ चुका होगा, तो पार्ट टू ही कर लेते हैं क्योंकि टेक्निक तो सब में सेम ही है। पार्ट नंबर टू हम करते हैं, फोर का पार्ट टू लिखा हुआ है x की पावर a माइनस a की पावर x होल पावर 10, और इसके आगे लिखा हुआ है क्या है, द फोर्थ टर्म। पेन हल्का है तो हम चेंज कर लेते हैं, अच्छा जी। तो सॉल्व किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो आपको डाटा पता होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखो तो a आपके पास क्या है, a यहां पे है x अपॉन a, b यहां पे है a अपॉन x, और n यहां पे है 10। अच्छा अगर आप थोड़ा डिफरेंस पता करना चाह रहे हो, क्योंकि यहां पे a अजीब सा मैच कर रहा है ना, हालांकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये वाला a जो है वो जनरलाइज्ड बायनोमियल थ्योरम वाला है, तो अगर आप थोड़ा अलग करना चाह रहे हो तो आप इसको कैपिटल a और कैपिटल b लिख दो, ये ना कंफ्यूज ना हो जाए ना आप लोग, तो कोई भी प्राइम यूज कर सकते हो, आप एक कैपिटल यूज कर लो। कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि ये जो a कैपिटल b, ये जो बाइनोमियल वाला था ना a प्लस b की होल पावर n, वहां से लिखा हुआ है। अच्छा अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे आपको निकालना पड़ेगा nth टर्म, सॉरी जनरल टर्म जो है ना वो आप कंसिडर करोगे। तो जनरल टर्म क्या थी, जनरल टर्म थी टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, अब कैपिटल आपने यूज किया तो कैपिटल लिखो, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, ठीक है। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, उन्होंने बोले फोर्थ टर्म। देखो याद रखो फोर्थ टर्म के लिए अब r की वैल्यू क्या पुट करोगे, फोर्थ टर्म को आप लिखोगे किस तरह, फोर्थ टर्म होगी t4, फोर्थ टर्म है ना, आप लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़कर आए हो, तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे t4, और t4 कैसे आएगी, जब मैं r की कौन सी वैल्यू पुट करूं, r की वैल्यू 3 पुट करूंगा, जब मैं आर थ्री पुट करूंगा तभी 3 + 1 = 4 हो जाएगा, तो मेरे पास फोर्थ टर्म आएगी। तो फोर्थ टर्म के लिए आपने आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो फॉर फोर्थ टर्म पुट आर इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म के लिए आप पुट करो आर 3, तो अब क्या होगा, बाकी वैल्यू से पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू आपने पुट कर दी, अच्छा इसलिए आप एन पुट कर दो, एन है 10, आर है 3, अच्छा कैपिटल ए क्या है, x अपॉन a की पावर n माइनस आर, n 10 है, r यहां पे 3 है, फिर है b की पावर r, b है यहां पे a अपॉन x, और पावर r क्या है इसमें 3 है, तो आपने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। उसके बाद tan c 3 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हो तब भी निकालो, कोई मसला नहीं है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने अलग अलग पावर लगा दी, होल पावर 7 अलग अलग लगा दो, इसी तरह ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा x क्यूब। तो इसको निकालते हैं हम tan c3, तो बच्चों tan c3 होता है 120, तो यहां पे सबसे पहली बात 120 आ जाएगा, अच्छा यहां पे पावर 4 बचेगी, यहां पे पावर कैंसिल, इसी तरह यहां पे पावर 4 बच जाएगी, तो आंसर क्या होगा x4 डिवाइडेड बाय a4, ये आपके पास आ जाएगी चौथी टर्म। तो ये तरीका होता है बच्चों, जनरल टर्म आपको अगर पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल लेते हो, अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो आप इस जो एक्सपेंशन है ना इसको एक्सपेंड करना, देखना इसकी जो चौथी टर्म है वो ये वाली होगी, अगर शौक हो तो आप करके देख सकते हो। तो बाकी पार्ट यार तीन टोटल 3 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिया, फर्क नहीं होगा, फर्क बस वैल्यूज का होगा, मेथड जो है वो ये रहना है, तो आप लोग ट्राई कर लेना इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 से मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, दो किस्म के होते हैं, एक में तो एक मिडिल टर्म होती है किसी एक्सपेंशन में, और किसी एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिडिल टर्म वाली है, क्वेश्चन नंबर 6 में दो मिडिल टर्म वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जब आप सॉल्व करोगे तो पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, लिखा हुआ है x माइनस 2y अपॉन 3 की पावर 10, अच्छा जी, अच्छा करना है गैस के अंदर फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, आपको करना क्या है, आपको मिडिल टर्म यहां पे निकालनी है। तो मिडिल टर्म सबसे पहले तो मालूम करना पड़ेगा कौन सी टर्म यहां पे मिडिल टर्म है, चौथी टर्म मिडिल टर्म है, पांचवी टर्म मिडिल टर्म है। अच्छा अगर आप इसमें पावर देखो 10 है, मैनुअली भी आप निकाल सकते हो ना, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, 11 टर्म होंगी, तो 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो छठी टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी इसके अंदर, लेकिन इसके लिए फॉर्मुला भी बनाया, उससे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो सबसे पहली बात इसमें आपको ए बी सी पता होना चाहिए। ए यहां पे है एक्स, यार यहां पे एक गलती मैंने की है, जब आप जनरल टर्म कंसीडर करते हो ना तो जनरल टर्म में आपको नेगेटिव भी कंसीडर करना पड़ता है, ये मैंने गलती की है। अच्छा मुझे यही से पता चल गया, जब आप जनरल टर्म करते हो ना तो आप, क्योंकि जनरल टर्म में तो आपने माइनस की कोई कंपनसेशन नहीं की, बाइनोमियल पे आप करते हो, बाइनोमियल थ्योरम में आपने बोला ऑल्टरनेट साइन, लेकिन जनरल टर्म में कोई कंपनसेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप बी के अंदर नेगेटिव कंसीडर करते हो। तो उसको यहां से ठीक कर लेना, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा और एंड पे यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर ठीक कर लेना। अच्छा यहां पे ए एक्स है और बी जो है वो यहां पे है माइनस टू वाई अपॉन थ्री और एन है यहां पे 10, ठीक है। तो जनरल टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म आपको पता है क्या होती है, आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ठीक है। अब सवाल है कि मिडिल टर्म क्या है, यहां पर मिडिल टर्म देखते हैं। अच्छा यहां पे मेंशन कर देना कि n जो है वो जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है, क्योंकि जब इवन होती है तो आपको पता है a की मिडिल टर्म होती है, इवन इन द सेंस कि पावर इवन हो, नंबर ऑफ टर्म तो ऑड ही होंगे ना, 11 टर्म्स है यहां पे, पावर जो है अगर वो इवन है मतलब n जो है वो इवन है तो a की मिडिल टर्म होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो जरा वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि बराबर होगा 6th टर्म, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन दिखा दी कि जो छठी टर्म है वो यहां पे मिडिल टर्म है। अब आप लिख दो कि फॉर 6th टर्म पुट r इक्वल टू 5, जब मैं r यहां पे 5 पुट करूंगा तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6 हो जाएगा, मेरे पास छठी टर्म आ जाएगी। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, R की जगह आपने पुट कर दिया 5, अच्छा N की जगह आप पुट कर दोगे 10, अच्छा A यहां पे है X, X की पावर 10 माइनस 5, अच्छा B है यहां पे माइनस 2 वाई अपॉन 3 और उसकी पावर R मतलब 5। सॉल्व करो 10 सी 5 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, अगेन 5 फैक्टोरियल, अच्छा ये हो जाएगा X की पावर 5 माइनस टू वाई अपॉन थ्री की पावर आपने 5 करनी है, तो बच्चों एक तो माइनस साइन आएगा क्योंकि ऑड पावर है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, वाई की पावर 5 वाई की पावर 5 और 3 की पावर 5 243। तो छठी टर्म यहां पे क्या होगी, सबसे पहली बात नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव को साइड पे कर लेते हैं और बाकी जो नंबर है ना सबको एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले तो आपके पास 10 सी 5 है, तो 10 सी 5, अच्छा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 32 अपॉन 243 से, तो सब कोफिशिएंट को एक साथ ही सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ रहा है 896 अपॉन 27, ठीक है। ये करने के बाद अब वेरिएबल्स की टर्म कौन सी है, x की पावर 5 y की पावर 5, तो ये आपके पास छठी टर्म होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो मिडिल टर्म निकालनी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ट्राई कर लेते हैं हम। पार्ट वन में आपको क्या बोला हुआ है, गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 में लिखा हुआ है 2n, मतलब पावर जो है ना वो 2n है, तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगी, तो अगेन मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं प्लस 2 करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 कॉमन लोगे ऊपर n प्लस 1 बचेगा नीचे 2, तो वहां पे n प्लस 1 जो है ना वो वाली टर्म आपको निकालनी होगी। और n प्लस 1 टर्म कैसे निकालोगे, r की जगह n पुट कर देना जनरल फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में r प्लस 1 होता है ना, तो r की जगह n पुट कर देना तो आपके पास n प्लस 1 टर्म आ जाएगी, इस तरह कर लो। अच्छा तो हाँ इसके अंदर क्या करना है, दो मिडिल टर्म निकालनी है, दो मिडिल टर्म कैसे आएंगी, मतलब जबरदस्ती नहीं निकालनी, क्योंकि पावर ऑड है तो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो उसके अंदर मिडिल टर्म दो होंगी। तो निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a यहां पे x क्यूब है, b यहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर है और n यहां पे 7 है, ऑड है, दैट्स व्हाई दो मिडिल टर्म आएंगे। अच्छा जी जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म फॉर्मूला होता है भाई एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, मिडिल टर्म का फॉर्मूला इसको आप इस तरह कह लो, पहली मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म है ना यहां पर,
तो फर्स्ट मिडिल टर्म, तो पहली मिडिल टर्म कैसे आती है, जनरल फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन टू एच टर्म, ठीक है। तो आप क्या करो, सेवन में जब आप वन ऐड करोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूं, सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये अल्लाह भला करे ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो पहली मिडिल टर्म जो है फोर्थ टर्म है, दूसरी फिफ्थ होगी, लेकिन चलो उसकी कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। सेकेंड मिडिल टर्म, तो वो उसका जनरल फॉर्मूला होता है n प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू। अच्छा n है सेवन, सेवन में जब थ्री ऐड करोगे टेन, टेन को जब आप टू से डिवाइड करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, सही है बच्चों। अब सवाल ये है कि दोनों मिडिल टर्म आप निकालोगे किस तरीके से, हेडिंग बना दो फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म, पहली मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, पुट आर की जगह पे थ्री, क्योंकि अगर आपको चौथी टर्म निकालनी है आप आर की जगह पे थ्री पुट करोगे, थ्री प्लस वन फोर होगा, तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको वन बोल देते ना हम, आसानी हो जाएगी, तो पुट कर दो इसके अंदर, आर की जगह थ्री पुट कर दिया, एन यहां पे बच्चों सेवन है, अच्छा ए यहां पे है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस थ्री, बी है यहां पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है आर मतलब थ्री, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करोगे, सेवन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, एक्स क्यूब की पावर फोर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, थ्री की पावर फोर मतलब थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व, और यहां पे हो जाएगा एक्स की नीचे मतलब नीचे पावर टू है, वन की पावर क्यूब तो वन ही होता है ना, एक्स स्क्वायर की पावर जब क्यूब होगी तो टू और थ्री मल्टीप्लाई होंगे, एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, सेवन सी थ्री, सेवन सी थ्री, ये तो बड़ा इजी है, थर्टी फाइव आर आर है तो थर्टी फाइव कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल, ये सिक्स बच जाएगी पावर इसकी, तो थर्टी फाइव एक्स की पावर सिक्स, ये आपके पास चौथी टर्म मतलब पहली मिडिल टर्म ये होगी, दो मिडिल टर्म है ना, तो पहली मिडिल टर्म आपने निकाल ली, पेपर में आप सामने कर लेना, मेरे पास जगह है तो मैं ही कर रहा हूं, सामने मतलब नीचे फॉर, क्योंकि इतना कंजस्टेड लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एग्जाम में आपने प्रॉपर सही तरह करने, विजिबिलिटी सही हो, जगह हो कि अगर मार्किंग कर रहा है तो किसी विजिबल जगह में करें, ये ना ऊपर कोने पे मार्किंग कर रहे बाद में वो काउंट करते हुए इशू ना हो, बेस्ट तरीका होता है कि आप थोड़ा विजिबल सही तरीके से करो। सेकेंड मिडिल टर्म है पांचवी टर्म, पांचवी टर्म में आपको आर क्या पुट करना पड़ेगा, आर आपको पुट करना पड़ेगा फोर, तो पुट आर इक्वल टू फोर इन वन में, तो वन में आप आर फोर पुट कर दो, फोर प्लस वन एन सेवन है, सेवन सी फोर हो जाएगा, अच्छा जी एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस फोर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर फोर, तो ये हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फोर नहीं सॉरी थ्री, सेवन माइनस फोर थ्री होता है, एक्स क्यूब मतलब थ्री से थ्री मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर नाइन और ये हो जाएगा एक्स की पावर एट, तो 7c4 या 7c3 35 ही आता है, इसको कैंसिल करो ऊपर 1 पावर बच जाएगी मतलब x बच जाएगा, तो जो आपकी फिफ्थ टर्म है वो क्या है 35x है, तो एक मिडिल टर्म आ गई 35xx, दूसरी मिडिल टर्म आ गई 35x, सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसी तरह आपने बाकी भी करने हैं। पार्ट नंबर 4 में पावर 2n प्लस 1 है, तो शायद इसमें मिडिल टर्म निकालने में मसला हो तो मैं बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पावर है 2n प्लस 1 इसमें 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे n प्लस 1, तो एक मिडिल टर्म होगी n प्लस 1, दूसरी n प्लस 2 होगी, कैलकुलेशन करके दिखा दो, दूसरी मिडिल टर्म में आप प्लस 3 ऐड करते हो, ये हो जाएगा 2n प्लस 4 अपॉन 2, 2 कॉमन लो n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा n प्लस 2 अच्छा, तो उसके बाद तो इजी है, जो ये वाली मिडिल टर्म है इसमें आप r की जगह n पुट करोगे और जो दूसरी वाली मिडिल टर्म है इसमें r की जगह n प्लस 1 पुट करोगे, जनरल फॉर्मूले में ये होता है ना, तो यहां पे r की जगह पुट कर देना n प्लस 1, तो n प्लस 1 और प्लस 1 n प्लस 2, तो आपके पास n प्लस 2 टर्म आ जाएगी, तो इस तरीके से आप दोनों मिडिल टर्म निकाल लोगे, बाकी तो सब वैल्यूज वाले, तो उसमें तो आप पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रहा हूं लेकिन 7 के साथ मैं 8 के दो पार्ट भी करवा रहा हूं, तो जरा गौर से समझना, मतलब 8 का एक ही पार्ट करवा दूंगा कवर दो हो जाएंगे,
क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत ही मशहूर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बनता है ये कि आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये निकालनी होती है। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 15। लिखा हुआ राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है किसको, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अच्छा जब भी आप कोई एक्सपेंड करते हो ना, सबसे पहली बात बाइनोमियल में एक्स कहीं ना कहीं हो ना, तो ये एक्स आपको नजर आ रहा है दोनों जगहों पे। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे पावर इसकी 15 है, टोटल 16 टर्म बनेंगे। तो 16 टर्म में कुछ ऐसी टर्म हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है, फ्रैक्शंस फॉर्म में होना तो तब ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी भी टर्म हो जिसके अंदर एक्स ना हो। अगर फ्रैक्शन में बात ना हो ना तो फिर कैंसिल नहीं होते, उसमें हर टर्म में एक्स नजर आ रहा होता है आपको। बर तो तभी मैंने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि इन 16 टर्म में कोई ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स हो ही ना, मतलब एक्स कैंसिल होकर जस्ट कॉन्स्टेंट मौजूद है 35, दैट्स इट, कोई वेरिएबल वाले टर्म नहीं है उसके साथ। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कैसे आपको पता चलेगा, अगर याद रखना आर जो है ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बता दूंगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, कैसे मालूम करोगे, जनरल टर्म आप यूज करोगे। जनरल टर्म यूज करने से पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ए यहां पे है एक्स, बी यहां पे है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एन यहां पे है 15। जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करो, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है बच्चों, अच्छा तो जरा एक्सपेंड करते हैं इसको। आर आपको अभी नहीं पता तो आर ही रहने दो, एन यहां पे 15 है, क्योंकि आर तो आपको उस वक्त पुट करते हो ना जब आपको पता है कि आपने ये वाले टर्म निकालनी है, 5वीं निकालनी है, 10वीं निकालनी है, आपको तो यहां पे पता ही नहीं है कौन सी टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, तो आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, आर अभी नहीं पुट कर सकते हैं। ए यहां पे एक्स है तो एक्स की पावर 15 माइनस आर, बी यहां पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो उसको अपने जगह देंगे। अच्छा अब इन सवालों में ट्रम, अच्छा ये सवाल आपको नजर आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट में लिखा हुआ है ट्रम इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, मतलब जिसमें एक्स की पावर क्यूब आ रही हो, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है जिसमें एक्स की पावर 10 आ रही हो, फिर बाकी पार्ट में लिखा हुआ है पावर माइनस 2 हो या पावर 1 हो। तो इन सब सवालों में टेक्निक ये होती है कि आपने एक्स को एक साथ करना होता है, एक्स को आप एक साथ कर लो। अरे आप एक्स को कैसे एक साथ करोगे, सबसे पहली बात कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लो, मतलब कोफिशियंट को, और एक्स को एक साथ कर लो। तो ये 15 सी आर, इसको मैंने कर लिया। अच्छा ये जो आर है ये माइनस 1 के ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी है, तो मैं काम करता हूं माइनस 1 के ऊपर आर जो है इसको मैं अलग कर देता हूं। मैं इसको भी 1 ही लिख सकता क्योंकि मुझे पता नहीं ना आर इवन है ऑड है क्या है, तो अभी मैं बेदहानी में थोड़ा लिख दूंगा। तो माइनस 1 की पावर आर को मैंने अलग कर लिया। अब पीछे क्या बचा है, एक तो यहां पे बची है एक्स की पावर 15 माइनस आर, और यहां पे ये आर जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा ना, तो ये 2 आर हो जाएगा। दोबारा बताता हूं, इस वाले टर्म को मैंने एज इज लिख दिया, ये आर जो है ये माइनस 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो माइनस 1 की पावर आर, ये आर एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो एक्स की पावर 2 आर। इस माइनस को आप एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वही चीज हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर, अगेन माइनस 1 आपको अलग करना पड़ जाएगा, तो मुसीबत में पड़नी है, क्या जरूरत है, इस तरीके से आप कर लो। अब अगर आप ऑब्जर्व करो कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट जो है इनका आंसर कॉन्स्टेंट ही होगा ना, कुछ ये अलग है और वेरिएबल अलग है, लेकिन अभी भी वेरिएबल को एक्स को आपने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, आपको बिल्कुल एक एक्स की टर्म चाहिए, सिंप्लीफाइड करो आप इसको। तो मजबूत सिंप्लीफाई कैसे होगा, सिंप्लीफाई इस तरीके से होगा कि x की पावर 15 माइनस आर है, नीचे जो x की पावर 2 आर है, ऊपर आके क्या हो जाएंगे माइनस 2 आर, और बस एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा और वही होगा कि बेसिस सेम है, इन दोनों के देखो बेसिस सेम है, पावर उसको ऐड कर दो तो 15 माइनस आर और माइनस 2 आर, तो ये हो जाएगा माइनस 3 आर। अब अगर आप इस जनरल टर्म को देखो, इसमें आपको कोफिशिएंट अलग नजर आ रहे हैं एक तरफ, और जो वेरिएबल x है वो आपको एक तरफ नजर आ रहा है। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, अब जो सवाल में आपको बोला गया ना वो आपने करना है। तो अब ये मैं केसेस करके आपको करवा रहा हूं, मैं यहां पे आपसे तकरीबन 2 केसेस तो डिस्कस कर रहा हूं, पेपर में 2 केसेस नहीं करने, पेपर में जो केस आपसे आ रहा है वही करना है। अभी इस सवाल में उन्होंने बोला है कि ऐसी टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो मतलब पहला केस ही आपने करना है। दूसरा केस जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू के 2 पार्ट का मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी है,
फॉर ट्रंप अच्छा तो हमने करना क्या था, हमने ऐसी टर्म मालूम करनी थी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। देखो किसी भी टर्म में अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर जीरो है वहां पे। अगर आपको फॉर एग्जांपल 35 लिखा हुआ है, अब 35 के साथ तो एक्स नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो ना एक्स की पावर जीरो है। एक्स की पावर जीरो क्या वन हो जाएगा, वो मतलब एक्स वहां से हट गया ना। लेकिन अगर आप फर्जी तौर पर उसको लाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर जीरो। तो ऐसी टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो हो जाए तो उसका मतलब वो टर्म कहलाई जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब उस टर्म में एक्स मौजूद नहीं है। अगर जीरो के अलावा कोई और पावर होगी तो उस टर्म में एक्स मौजूद होगा। तो आपको अगर वो वाली टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब उसमें एक्स की पावर क्या होगी, जीरो। तो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वी हैव, ये जो पूरी पावर लिखी हुई है ना एक्स की 15 - 3r, ये क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। कैसे, क्योंकि जो भी टर्म में एक्स नहीं है तो एक्स नहीं होने का मतलब एक्स की पावर जीरो है। तो आप इस पावर जीरो को रखो, कहने का मतलब आप वो आर निकाल रहे हो कि आर की किस वैल्यू पे ये पावर पूरी जीरो हो जाए। तो मुझे वैसे लग रहा है आर की वैल्यू 5 आएगी। जब आर यहां पे आप 5 पुट करोगे ना तो ये 15 - 15 मतलब जीरो हो जाएगा पूरा। तो आर की वैल्यू 5 जब आप पुट करोगे तो आपकी टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। सही, तो यहां निकाल के दिखा दो, ये हो जाएगा 15 = 3r, आर यहां पर 5 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर आप r की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। आप सिर्फ आपको मालूम नहीं करना था कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, वैसे छठी टर्म होगी, मतलब r 5 पुट करोगे तो छठी टर्म आएगा ना आपके पास। तो छठी टर्म जो है ना इस एक्सपेंशन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेकिन आपको मालूम भी करनी है वो टर्म। तो जरा उस टर्म को भी मालूम करते हैं। कैसे मालूम करोगे, r की वैल्यू पुट कर दो, फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 कह देता हूं। तो पुट r इक्वल टू 5 इन 1, तो 1 में आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 + 1। अब n यहां पे तो आपने पुट किया हुआ था 15c, r की जगह 5 पुट कर दिया। अब देखो -1 की पावर 5 हो जाएगी तो नेगेटिव आएगा, और x की पावर 15 माइनस r की जगह आपने 5 पुट कर दिया। तो अब सवाल डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका 15, या चलो एक स्टेप कर लेते हैं और, 15 factorial, 5 factorial, 10 factorial, -1 की पावर 5 -1 होगा और ये x की पावर 0 हो जाएगा। तो आपने r की ऐसी वैल्यू पुट की कि इसमें x की पावर 0 होगी, मतलब x यहां पे खत्म हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 15c5 आंसर आ रहा है 3003, और ये माइनस मैंने इधर लिख दिया। तो उसका मतलब इस एक्सपेंशन की छठी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और वो है क्या, वो है -3003। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल तो समझ आ गया होगा आपको, इसमें बाकी पार्ट आपको ट्राई कर लेना, कोई इतने मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 देख लेना, पार्ट 4 शायद मसला कर सकता है। तो मैं चलो बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको इसके अंदर क्या होगी। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7 का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म निकाल रहा हूँ। जनरल फॉर्म देखो किस तरह मैं निकालूंगा। तो जनरल फॉर्म होगी TR+1 n पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7। तो n यहां पे 9 है, 9 लग रहा है मुझे तो, 9cr, a यहां पे है 4x² / 3, 9 - r, और b है यहां पे -3/2x/r। जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा ncr। अच्छा अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपने अलग कर लिया। सबसे पहली बात, 4/3 जो है कांस्टेंट है, तो 4/3 n - r इसको अलग कर लेते हैं, और जो x स्क्वायर है इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया, ये जो पहले आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें ये जो n माइनस आर है ये 4 के ऊपर भी है, ये x स्क्वायर के ऊपर भी है, और नीचे वाले 3 के ऊपर भी है। तो 4/3 जो है उसको मैंने अलग कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4/3 को मैंने अलग कर दिया और इसके ऊपर पावर n माइनस आर आ गई, और जो वेरिएबल है ना x स्क्वायर इसके ऊपर भी पावर आएगी, और आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये वाला 2 और ये वाला n माइनस आर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इनके साथ क्या हो रहा है, अगेन इसमें भी आप यही काम करो, ये -3/2 की होल पावर आर लिखो आप, तो -3/2 आपने अलग कर लिया, और जो 1/x है 1/x की पावर आर करो, 1 की पावर आर और x की पावर आर। तो बस आपने कॉन्स्टेंट अलग किए और पावर आर आर करते गए। फिर आप एक साथ कर लो ncr,
4 अपॉन 3 की पावर 9 माइनस आर माइनस 3 अपॉन 2 की पावर आर। इनको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब आर की वैल्यू पुट करोगे तभी सॉल्व करना। अब यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा x की पावर 18 माइनस 2 आर, और ये जब ऊपर आएगा तो इसमें x की पावर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको बेसिस सेम करोगे, पावर एड होंगे ना, तो माइनस 2 आर माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस 3 आर। तो इन शॉर्ट ये आपके पास जनरल टर्म आ रही, बस काम खत्म। इसको आप इक्वल टू जीरो रखना, तो बच्चों आर की वैल्यू यहां पे 6 आ रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करना, आप जनरल टर्म में आर की जगह पे 6 पुट कर देना, तो आपके पास टर्म आएगी 9c6 4 अपॉन 3। यहां पे 6 पुट करोगे, 9 माइनस 6 3 होता है, माइनस 3 अपॉन 2, यहां पे आर की जगह 6 पुट कर देना। ठीक है, और x के अंदर आप 6 पुट कर देना, मतलब r की जगह पे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि टर्म x की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके पास जस्ट कांस्टेंट बन जाएंगे। बाकी काम बच्चों कैलकुलेटर का है, 9c6 इजी होगा कुछ, हाँ 84 आ रहा है। सवाल एक इनपुट आ रहा है, कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लो, तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, अच्छा जी, मल्टीप्लाई माइनस की पावर 6 करोगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, आप 3 की पावर 6 करो और नीचे 2 की पावर 6 करो, और आंसर आ रहा है 27, इसको 84 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 2268। तो आप अच्छा बाय द वे आर 6 पुट करोगे तो 7th टर्म आएगी, तो इस वाली एक्सपेंशन में 7th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और वो है क्या 2268 है। तो इस तरीके से आप करो क्वेश्चन करोगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 9 में ही करवा रहा हूं, आप लोग फिर स्टेप में कर लेना। देखो भाई, डज द एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन गिवन है, कंटेन अ टर्म, ये चलो इसको मैं बाद में करवा दूं, पहले 8 आ जाओ। 8 में अगर आप पार्ट नंबर 2 देखो ना, पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स 10 इन द एक्सपेंशन। वो कह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में जो एक्स की पावर 10 है वो वाली टर्म मालूम करो, मतलब हमें ऐसे टर्म बताओ जिसमें x की पावर 10 आ रही है, वो टर्म क्या है वो आपको मालूम करनी है। तो मैं एक्सपेंशन चेंज है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है शायद, मैं वही एक्सपेंशन चलो सवाल ही चेंज कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 आप लोगों को करवा रहा हूं। तो एक्सपेंशन इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 10। पहले मुझे तो केसेस बनाए करवा लूं, लेकिन कोई मसला नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से ऐसी टर्म मालूम करनी है, वी हैव टू फाइंड द टर्म विच इन्वॉल्व x की पावर 10। हाँ, जिस वाले टर्म में x की पावर 10 आ रही है वो टर्म आपको मालूम करनी है। किस तरह मालूम करोगे, बहुत इजी प्रोसेस है, आपको यहां पे a पता होना चाहिए, आपको एक अदद b पता होना चाहिए, और आपको यहां पे हस्बे जायका n पता होना चाहिए। जब ये पता हो जाए तो सबसे पहले आप निकालोगे जनरल टर्म, जनरल टर्म में n है 10 सी आर, एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। अगेन वही गोल है, कोफिशेंट कॉन्स्टेंट एक साथ, वेरिएबल बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो 10 सी आर ये हो जाएगा एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से 20, 2 को माइनस आर से करो माइनस 2 आर। इसी तरीके से माइनस 1 की पावर आर को अलग कर लो, और 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर करोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब आर को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आर। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 10 सी आर और माइनस 1 की पावर आर, इसको अलग कर लो। अब वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर, और ये जो है एक्स की पावर 3 आर, ऊपर लेके आओगे तो एक्स की पावर माइनस 3 आर। बेसिस सेम, अगेन पावर एड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10 सी आर माइनस 1 की पावर आर, एक्स की पावर 20 माइनस 5 आर। यहां तक तो आप पहले भी काम करते आए थे। अब आपको वो वाली टर्म निकालनी है जिसमें एक्स की पावर 10 है, तो आप लिखो फॉर टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 10 वी है 20 माइनस 5 आर 10 के बराबर। अब मैंने 20 माइनस 5 आर को 10 के बराबर क्यों रखा है, भाई जो पावर आपको चाहिए उसी के बराबर रखो, आपको ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 10 है, तो यहां पे x की पावर क्या है, यहां पे x की पावर 20 माइनस 5 आर है, तो 20 माइनस 5 आर को 10 के बराबर रखो और r की वो वैल्यू मालूम करो जिसपे x की पावर 10 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब आप इसमें r मालूम करोगे
तो ये सिचुएशन होगी, क्या आ जाएगा 10 और r की वैल्यू यहां से 2 आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, जब r यहां पे आप 2 पुट करोगे तो x की पावर 10 बच जाएगी पीछे। तो आपको पहले पता नहीं होता ना कि कौन सी टर्म में x की पावर 10 आ रही है, तो आप r की वैल्यू मालूम करते हो, वो r की वैल्यू आपको बता दिए कि हाँ r की मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो x की पावर 10 आ रही है, और उस r की वैल्यू से आपके पास टर्म भी आ जाती है पूरी जिसमें x की पावर 10 आ रहा है, और आपको नंबर ऑफ टर्म भी पता चलता है कि वो कौन सी टर्म है। सही है, तो अब आप r जो है इसके अंदर पुट कर लेना, पुट r इक्वल टू 2 इन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी आर प्लस वन था, ये हो जाएगा टी टू प्लस वन, आर की जगह 1 पुट किया, मतलब तीसरी टर्म जो है उसमें x की पावर 10 आ रही है। और इस तरह भी पुट कर दो, 10c2 माइनस 1 की पावर 2 x की पावर 20 माइनस 5 r की पावर 2। तो 10c2 क्या होगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 9 और 2 5 मल्टीप्लाई 45 होगा, और ये 20 माइनस 10 x की पावर 10, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 45x10 तीसरी टर्म। तो एक तो आपका आंसर भी आ गया, आपको ऐसी टर्म मिल गई है जिसमें x की पावर 10 आ रही है, और आपको ये भी साथ पता चल गया है कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ये तीसरी नंबर ऑफ टर्म है इस एक्सपेंशन की। ठीक है, अब पार्ट अंदर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, क्या करोगे आप, पूरी पावर को किसके बराबर रखोगे, 3 के बराबर रखोगे, क्योंकि आपको वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स क्यूब आ रहा है। इसी तरह अभी एक ही सवाल है, यहां पे x की पावर 0 होती थी ना, तो यहां पे 0 के बराबर रखते थे, मे बी पेपर में आ जाए कि जिसमें x की पावर -2 हो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, यहां पे x की जो भी पावर है उसको -2 के बराबर रखोगे और देखोगे क्या आंसर आ रहा है आपका सही है ना। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट नंबर 3 और 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का वो मैं बताता हूं आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है डज द एक्सपेंशन कंटेन्स अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आपसे पूछ रहे हैं क्या इस एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब उसमें एक्स नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे इसके अंदर। एक्सपेंशन एक ही है, पार्ट 2 लिखे हुए हमने, पहले पार्ट में आप क्या करोगे, पहले एक्सपेंशन आप लिख लेना, आप एबीसी लिख देना, जनरल टर्म फॉर्मूला लिख देना, यहां तक आपने कर लेना। अब इसके पार्ट 1 पार्ट 2 यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये तो वर्किंग है, ये तो कॉमन है दोनों पार्ट के लिए। जब आप जनरल टर्म निकाल लो, अब पार्ट नंबर 1 पे आना, लिखा हुआ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वही बात है, अगर इस मैंने बताया था जरूरी थोड़ी ना होता कि हर एक्सपेंशन में एक्स की टर्म मौजूद, मतलब ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स ना हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हर टर्म में एक्स मौजूद हो, तो जरूरी नहीं होता। तो जनरल टर्म निकालने के बाद जो भी एक्स की पावर आ रही होगी उसको आप 0 के बराबर रखना, और जरा चेक करना किस आर की वैल्यू पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म आ रही है। तो जब आप आर की वैल्यू निकालोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो जब भी r की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो आप समझ जाना यार इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई ऐसी टर्म होती जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होती तो उसमें r की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल पांचवी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो r 4 आ जाता, दसवीं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो r 9 आ जाता। तो अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी तो r की कोई नेचुरल वैल्यू आ रही होगी ना, या ज्यादा होल वैल्यू आ जाएगी 0, पहली टर्म में r 0 होता है ना। तो आप क्या करना, आप r को 0 के बराबर रखना, अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो समझ जाना भाई इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब r फ्रैक्शन है लिख देना, सिंस r डजंट बिलोंग टू होल नंबर लिख देना आप सिंपल, दैट्स व्हाई देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग, देयर इज नो टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसी तरह पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्विंग x की पावर 10, तो आप उसमें यही काम करना, जो जनरल टर्म निकाली होगी ना उसको रखना 10 के बराबर, आप 10 के बाद जैसे इसी को 10 के बराबर रखो और देख लो r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी। तो जब r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी अगेन लिख देना कि सिंस r डजंट बिलोंग टू होल नंबर देयरफॉर देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 10। ठीक है, और अगर इस सवाल में जस्ट आपसे पूछा था डज द एक्सपेंशन कंटेन अ टर्म या नहीं, इसमें आपको टर्म निकालने को नहीं बोला गया था, बिलफर्ज अगर पेपर में कोई सवाल आता है जिसमें r फ्रैक्शन ना आ रहा हो तो उसे बोल देना r 5 है और रिजल्ट पे लिख देना हेंस, फॉर एग्जाम्पल आर अगर 5 आ रहा होगा तो लिख देना हैज 6 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x या इन्वॉल्विंग x की पावर 10। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल दो, लेकिन बस सवाल अगर पूछा इस तरह जाए तो जस्ट आपको बताना होगा यार ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो दसवीं टर्म है, निकालना चाहो तो और अच्छा काम है, चलो निकाल भी देना साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, करवाने की तरह से जरूरत नहीं है लेकिन एक्सपेंशन शायद थोड़ी मुश्किल हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, एक्सपेंशन क्या है, y प्लस पी क्यूब वाई स्क्वायर की पावर 10, ये लिखा हुआ है,
और बोला है कि obtain in the simplified form the coefficient of y की पावर माइनस टू इन द एक्सटेंशन, कि आपको बेसिकली कोफिशियंट निकालना, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट है ना उसमें निकालना, जो आखिरी के दो पार्ट है उसमें कोफिशियंट आपको निकालना है, जस्ट y की पावर माइनस टू का कोफिशियंट आपको निकालना है। अब किस तरीके से निकालोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। पहले जनरल टर्म बनाओ, फिर y की जो भी पावर आ रही होगी उसमें माइनस टू के बराबर रख लेना। सबसे पहली बात, a यहां पे y है, b यहां पे बी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर है, n यहां पे 10 है। चाहो तो चेंज कर लो इसको कैपिटल a, इसको कैपिटल b कह देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाद तो आप जनरल टर्म निकालो, यहां पे जनरल टर्म होती है एन सी आर, ये हो जाएगा 10 सी आर y की पावर 10 माइनस आर, और b क्या है, बी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर की पावर आर। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कोफिशिएंट को एक साथ कर लो और y की टर्म को एक साथ कर लो। तो यहां पे y की पावर आपको नजर आ रही है 10 माइनस आर, यहां पे b एक कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा b की पावर 3r, और नीचे y का स्क्वायर मौजूद है उसकी पावर r करोगे तो ये 2r हो जाएगा। उसके बाद 10 सी आर अपनी जगह पे लिखो, b की पावर 3r लिखो, y की पावर 10 माइनस आर, और नीचे वाला ऊपर आगे क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 2r। फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आपका आखिरी स्टेप है, बी की पावर 3r, ये हो जाएगा 10 माइनस 3r, ये सिचुएशन आ गई। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है। अब आपको ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें मतलब ऐसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है जिसमें y की पावर माइनस टू है। तो आप लिखो फॉर टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर माइनस टू, ऐसी टर्म जिसमें y की पावर माइनस टू आ रहा हो। तो कैसे निकालोगे आप, जस्ट आप 10 माइनस 3r को बराबर रख लो माइनस टू के, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 3r, ये 12 हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। तो उसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पांचवी टर्म है, क्योंकि r की वैल्यू 4 आ रही है ना, पांचवी टर्म जो है ना उसमें y की पावर माइनस 2 आ रही है, उसका आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो इसमें इसको फॉर एग्जाम्पल 1 बोल दो, r की वैल्यू पुट कर दो 1 के अंदर, तो पुट r इक्वल टू 4 इन 1। तो अब यहां पे r की जगह 4 पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 सी 4, ये हो जाएगा b की पावर 3r था ना, तो b की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा y 10 माइनस 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा b की पावर 12 और ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2। अच्छा आपको जस्ट कोफिशिएंट चाहिए था, तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, 10 c 4, तो 2 10 b 12, ये है कोफिशिएंट उस टर्म का। लिख देना अगर चाहो तो लिख दो कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर माइनस टू, ये उस टर्म का कोफिशिएंट है जो आपको मालूम करना था जिसके अंदर क्या आ रहा है, y की पावर माइनस टू आ रहा है। तो यार काफी सवाल इस टाइप के किए हमने, डिफरेंट बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, आप लोग उसके आंसर कर देना, ठीक है। इसमें जस्ट आपको n निकालना है, कंडीशन क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म फॉर्म एन एपी, तो एपी बना रहे हैं। अब इसमें जनरल टर्म निकालने की ऐसा जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने आपकी हैबिट बनाई भी है, क्योंकि इसके अंदर अपना कोई वन की दो ही पावर कर दो तो वो तो कुछ नहीं है ना, और एक्स में तो कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा। बहरहाल ए यहां पे वन है, बी यहां पे एक्स है, और एन यहां पे एन ही है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो सॉल्यूशन पे आओ, जनरल टर्म निकालो टी आर प्लस वन, ये हो जाएगा एन सी आर, वन की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। तो सिंप्लीफाई करो, एन सी आर एक्स की पावर आर, ये आर। तो आपको देखने में लग रहा है इस वाले एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट है ना वो प्योर बाइनोमियल कोफिशिएंट है, कोई और कोफिशिएंट यहां पे नजर आ नहीं रहा आपको। बस तो सबसे पहले कौन कौन से कोफिशिएंट आपको चाहिए, आपको कोफिशिएंट चाहिए यहां पे फिफ्थ टर्म के चाहिए, सिक्स के चाहिए और सेवन के चाहिए, मतलब फाइव सिक्स सेवन के। तो कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के कोफिशिएंट क्या होंगे, देखो एन आपको नहीं पता यहां पे, तो एन को जवाब में रहने दो। आपको पता है जो पांचवी टर्म होती है ना उसमें आर क्या होता है, फोर होता है, एक कम होता है,
तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NC4। मतलब इसमें अगर आप R की जगह 4 पुट करोगे ना तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी NC5 x की पावर 5 x की पावर 4। मतलब R की जगह 4 पुट करना तो NC4 x की पावर 4। अब x की पावर 4 तो वेरिएबल है ना, वो तो कोफिशिएंट तो नहीं है। कोफिशिएंट क्या होगा NC4 जो हमने यहां पे लिख लिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म NC5 हो जाएगी। फिर कोफिशिएंट ऑफ सेवेंथ टर्म वो हो जाएगी NC6। जी बड़ा सवाल पेपर में आते नहीं है, इतना करवाने का मकसद ये कि कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए। अगर बड़े सवाल में कैलकुलेशन कर लोगे तो छोटों में तो मसला ही नहीं होगा। कंडीशन यहां पे क्या गिवन है कि जो कोफिशिएंट है ना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ के, ये AP बना रहे हैं। तो किस तरह लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है कि NC4 NC5 NC6 फॉर्म NAP, ये कंडीशन गिवन है। तो आपको पता है, आप इसको सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। आप AM वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि अगर तीन टर्म AP के अंदर है दरमियान वाला अरिथमेटिक मीन है, उतनी ही स्टेप लगेंगे, कोई फर्क नहीं है। या दूसरा कॉन्सेप्ट आप AP का यूज, AP में दो कॉन्सेप्ट है ना, या तो आप AM के जरिए से करोगे दरमियान वाली टर्म अरिथमेटिक मीन है इन दो की, मतलब NC5 बराबर हो जाएगा NC4 प्लस NC6 डिवाइड बाय 2, इस तरह भी कर सकते हो। या दूसरा टर्म क्या आपको पता है, दूसरा तरीका क्या है कि एपी के अंदर दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस सेम रहता है। मतलब इन दो टर्म का डिफरेंस, इन दो टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, क्योंकि ये एपी है, एपी अरिथमेटिक में ही होता है ना, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है। तो आप इस कंडीशन को रख लो, जब आपने बता दिया कि एपी के अंदर है तो उसका मतलब इन दो का डिफरेंस, मतलब NC5 माइनस NC4 ये बराबर होगा NC6 माइनस NC5 के। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3, 5, 7, ये AP के अंदर है तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के, 2-2 डिफरेंस आ रहे हैं, तभी दो AP की डेफिनेशन मिलती है। अब ये कंडीशन रख के आपने N की वैल्यू निकालनी है। अभी कंडीशन बहुत बड़ी बनेगी, थोड़ा तो सॉल्व करते हैं। आपको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा पहले, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, अच्छा जी 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एन माइनस 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब उसके बाद आप क्या करो, अब आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा जैसे फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करते हो। अब पूरे स्टेप का दिखाओ, पूरे स्टेप दिखाने का मकसद, कहने का मतलब क्या है, जो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, क्या करोगे आप n फैक्टोरियल को लिखोगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n माइनस 5 फैक्टोरियल आ रहा है, आप इसे कैंसिल करोगे ऊपर, ये आपके पास 5 एक्सप्रेशन आ रही है। यही काम आपने बाद में भी कर रहे हैं, इसमें n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, दैट्स इट। जो n माइनस 4 फैक्टोरियल है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 3 तक आ रहा होगा, यहां पे n माइनस 5 तक आ रहा होगा, यहां पे n माइनस 4 तक आ रहा होगा। तो अभी आपने लिखना है, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैंसिल करने के बाद लिख रहा हूं। तो पहले टर्म से क्या बचेगा आपके पास, ऊपर होगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, जो n माइनस 5 फैक्टोरियल है वो नीचे वाले n माइनस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। अच्छा, ये बात उन बच्चों को बातें समझ नहीं आ रही होगी जिन्होंने चैप्टर 7 स्किप किया। अब ये मेरा मसला नहीं है, चैप्टर 7 में मैंने डिटेल में बातें आप लोगों को बताई है, फैक्टोरियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन को इस तरह सॉल्व करोगे, एक एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की है। जिसने चैप्टर 7 छोड़ा होगा भाई अब उसका कसूर है। मैंने 40 लेक्चर में आपको कहीं नजर नहीं आएगा चैप्टर 7 जो मैंने अपलोड किया है, जरूर नहीं कर रहा, चेक करके देख लेना। अच्छा, उसके बाद एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, क्योंकि n माइनस 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बचा हुआ होगा। अब जरा इस पे आ जाओ, ये बहुत बड़ी टर्म है, दैट्स व्हाई मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। तो इसमें n माइनस 5 तक आप ऊपर लिखोगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये करवाने का मकसद ही ये है कि आपको कैलकुलेशन आ जाए। पेपर में इतने बड़े आते नहीं है, पेपर में घबराओ नहीं आप, पेपर में भी छोटे छोटे हो, एन माइनस 1 एन माइनस 2 इस टाइप के हो, असल चीजें कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। और नीचे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720 होता है और आखिरी टर्म में एन माइनस 5 तक है, तो
तो n माइनस फोर तक लिखोगे आप, और क्या है 120 है, 5 फैक्टोरियल तो 120। अब वक्त आया कि आप कॉमन लो, दोनों टर्म दोनों साइड से आपने कॉमन लेना ताकि कैंसिल हो जाए। तो आप देखो दोनों चीजों में कॉमन क्या है, देखो n माइनस फोर तक दोनों में कॉमन है, मतलब n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, चार चीजें जो है ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, तो एक चीज आप कॉमन लो। दूसरा 24 भी आप कॉमन ले सकते हो, 24 भी हर जगह आ रहा है। तो आप क्या करो राइट हैंड साइड पे, ये मैंने एक साइड लिखी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड, अब आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर कॉमन लो आप n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, ये कॉमन लो दोनों टर्म से डिवाइडेड बाय 24, ये पहले टर्म से भी कॉमन ले लो दूसरी से भी ले लो। तो पहले टर्म में क्या बचेगा, पहले टर्म में जस्ट ऊपर बचेगा n माइनस फोर, और 120 में से 24 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, और इस टर्म में से कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस वन बचेगा बस, क्योंकि ये पूरी चीज जो है आपने कॉमन ले लिया तो जस्ट 1 बच जाएगा इसमें से। अब राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड में सेम ही चीज कॉमन लो डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल करने में आसानी होगी ना, इसमें तो वैसे 120 कॉमन आ रहा है लेकिन कैंसिल करने में आसानी होगी। ऊपर क्या बचेगा n माइनस फोर n माइनस फाइव, और 720 में से 24 कॉमन लो 240 480 आई गेस 30 आना चाहिए, 720 डिवाइडेड बाय 24 30 आ रहा है, और इस तरह जब कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा n माइनस फोर, 120 में से कॉमन लो 5, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज कैंसिल, तो आपके लिए अब थोड़ी आसानी होगी। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा n माइनस फोर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 5, और जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा अगेन इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने का फायदा होगा, ऐसा फायदा है नहीं इसका, तो रहने दो, सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो, n माइनस फोर सॉरी n स्क्वायर माइनस फाइव एन, ये हो जाएगा माइनस नाइन एन प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा n माइनस फोर डिवाइड बाय 5। अच्छा बाय द वे यहां पे तो है n माइनस नाइन अपॉन 5, और यहां पे क्या है जरा इसको देख लेते हैं, यहां पे एलसीएम 30 आएगा, एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस 20, फाइव सिक्स टाइम जाता है तो 6 से मल्टीप्लाई करो 6n प्लस 24। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये स्टूडेंट गलती करते हैं, माइनस n से भी होगा माइनस 4 से भी होगा तो पॉजिटिव हो गया, और साथ साथ 6 भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 1 5 5 6 30, एक तो ये काम कर रहे हैं, तो यहां पे बचा n माइनस नाइन, यहां पे क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस नाइन एन माइनस सिक्स एन, ये हो जाएगा माइनस 15n 20 प्लस 24, ये हो जाएगा 44, और ये 6 जो है वो यहां आके मल्टीप्लाई करवा दो तो 6n माइनस 54। तो ध्यान में रखना 6 मैंने यहां पे आके मल्टीप्लाई करवा दिया, और इनको जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये 54 है। अब n स्क्वायर इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, 6n उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 21n, और माइनस 54 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड करो 48 98, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा इसके फैक्टर मैंने ढूंढने, फैक्टर इसके क्या है, माइनस 14n और माइनस 7n, सॉल्व करो इसको, n कॉमन लो n माइनस 14, माइनस 7 कॉमन लो n माइनस 14, एक फैक्टर आ गया n माइनस 14, दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 7, तो आइदर n माइनस 14 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 14, ये हो जाएगा n इक्वल टू 7। क्या दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां पे 6 तक हो सकती है, 6 से छोटा नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, n इक्वल टू 14 भी एक्सेप्टेबल है, n इक्वल टू 7 भी एक्सेप्टेबल है। मतलब क्या मतलब है दो आंसर का, मतलब ये होगा कि आप अगर यहां पे 7 पुट करो, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 7, आप उस वाली एक्सपेंशन में देखना फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवेंथ टर्म इनका जो कोफिशिएंट आ रहे होंगे वो बाइनोमियल में होंगे। फॉर एग्जांपल पुट करके देख लेते हैं ना, अगर आप 7 पुट करोगे यहां पे तो ये होगा 7c4, तो आंसर आएगा 35, फिर है 7c5 आंसर आएगा 21, और फिर है 7c6 आंसर आएगा 7। तो आपको दिखने में लग रहा है एपी के अंदर है, 35 में आपने क्या ऐड किया, माइनस 14 ऐड किया, 35 में माइनस 14 ऐड किया 21 आ गया, 21 में माइनस 14 ऐड किया 7 आया, इन शॉर्ट कॉमन डिफरेंस यहां पे माइनस 14 है। और फॉर एग्जाम्पल अगर 14 पुट करो,
14C4, तो 14C4 है 1001, अच्छा 14C5 है 2002 और 14C6 है 3003। तो दिखने में लग रहा है यहां पे आप 1001 ऐड कर रहे हो, इसके अंदर 1001 ऐड करो 2002, इसके अंदर 1001 ऐड करो 3003, तो ये भी एपी के अंदर है। तो दैट्स व्हाई दोनों आंसर यहां पे एक्सेप्टेबल हैं, दोनों यहां पे बॉक्स हैं। इन केस अगर एन नेगेटिव आ रहा होता या एन सिक्स से कम आता, क्योंकि देखो मैक्सिमम सिक्स तो होना चाहिए, मिनिमम सिक्स होना चाहिए, फाइव होगा तो इसकी सेंस नहीं बनेगी ना, फाइव से सिक्स, तो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम एन सिक्स हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है। तो 7 एक्सेप्टेबल है, 14 भी एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर पेपर में वैल्यू चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होगा या इससे 6 से छोटा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये बाकी आप देख लेना।